बंद कर बंद कर बंद कर, पहले सवालों के जवाब दे सामने आ। यस यस यस। हाँ, तेरे को कोई सिम्टम है? नहीं, मेरे को कोई सिम्टम नहीं है कोविड-19 का। नहीं, खांसी वासी कोई खांसी नहीं है, कोई जुकाम नहीं है। तेरे आजू बाजू कोई ऐसा बंदा आया है जो बाहर से आया हो, इंटरनेशनल ट्रैवल? नहीं, कोई भी नहीं आया जी। किसी के संपर्क में आया हो तो जिसको कोविड-19 हो? मुझे पता नहीं, बट मैं आपके संपर्क में आने वाला हूँ, मुझे पक्का नहीं पता आपके बारे में। वो अब आप बताओगे, अब आप बताओगे मेरे को। बैग डिक्की मिटा दो, अंदर आ जा, फिर बाहर की करना पे यार। कनाडा के दूसरे बड़े शहर और कोविड-19 के इससे सबसे ज्यादा अफेक्टेड एपिसेंटर मॉन्ट्रियल। मैं ट्रैवलिंग देसी और ये ऐसे क्यों, यानी यहाँ का सरकारी ठेका, यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है अल्कोहल, और यहाँ की सरकार ने कभी शराब बंद नहीं की थी, क्योंकि उनको पहले ही पता था कि लोगों को प्यासा नहीं रखना, लोग टूट पड़ेंगे। और बिसाइड्स, यहाँ का जो वो है चीफ मिनिस्टर यानी कि प्रीमियर, उसने ये भी कहा था कि भाई दारू जो है थोड़ा स्ट्रेस रिलीव करने में हेल्प करती है, एवरीबॉडी कैन एंजॉय अ ग्लास ऑफ वाइन एट टाइम्स, तो इसलिए दारू नो प्रॉब्लम। और ताजा ताजा लॉकडाउन लिफ्ट होने के बाद हम इस वीडियो में झलक मारेंगे इसकी सबसे बिजी स्ट्रीट पर। और जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, यहां मैं आया था कनाडा की एक विलेज के अपने रेंटल घर से अपने भांजे को लेने, जो कि पड़ता है वो पहाड़ियों के पीछे मॉन्ट्रियल में। और शहर पहुंच के ऐसा तो लगा ही नहीं कि यहाँ पे कुछ डिफरेंट है, क्योंकि कम ही लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग पर ध्यान दे रहे थे। खैर, मुझे एक फार्मेसी दिखी तो मैंने सोचा यहाँ पे रोक के जरा आपको भी झलक दिखा दूं। और ये मास्क जो है ना, बड़ा फनी है, सवाबियां आले, यानी कि ये रेनबो बना हुआ ना, यहाँ हर जगह दुकानों में बना हुआ था। बट बिसाइड्स द पॉइंट, पीछे फार्मेसी दिख रही है, फार्मा प्री और सबवे, बहुत बड़ी फार्मेसी है, और इसके ऊपर आप देख सकते हैं लाइन पूरी सोशल डिस्टेंसिंग स्टाइल, और कई सारे इंडियन भी खड़े हुए हैं। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालू है, लोगों को फाइनली बाहर निकलने की छूट मिली है, और वो सारी शॉप्स जिनकी सेपरेट एंट्री रोड पे है खुल गई। खैर, अपन पहुंच गए अपने भांजे को लेने, जो कि अपने बहुत ही अमेजिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर्ड अपार्टमेंट में मॉन्ट्रियल के डाउनटाउन में रहता है। हाँ जी, सामान वामान लोड हो रहा है, भाई लोग से भी पूछ लेता हूँ, देह की दूरी जरा बना के रखी जाए, वैसे फायदा नहीं है कोई, क्योंकि इनमें से जो एक आइटम है वो तो अपनी गाड़ी में ही साथ जा रही है, मगर क्योंकि किसी को कोई सिम्टम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सारे एवरीबॉडी इज वेल एंड गुड, सो द रिस्क इज एब्सोल्युटली मिनिमल एंड समवॉट नेसेसरी। ये जो ग्रोसरी वगैरह लेने जाते हो, तो प्रिकॉशन बचाव बचाव कैसे करते हो? मास्क पहन के जाते हैं, और जब कोई ग्रोसरी स्टोर में एंटर करते हैं तो वो ग्लव्स और सैनिटाइजर, ग्लव्स और सैनिटाइजर और अंदर सोशल डिस्टेंस रहती है, मतलब बाहर लाइन लगी रहती है 2-2 मीटर तक। ओके, वो तो मैं देख के आया हूँ मेट्रो के। और फिर प्यारे भाई लोग सामान रखवा के चले गए, और हम निकल गए साथ ही नई नई खुली मार्केट की हालत देखने। तो जी, इसकी स्ट्रीट से निकलने तो लगे हैं, मास्क मैंने बदल लिया है, बाबूजी ले हैं, ग्लव्स ग्लव पहन लिए हैं, जेब में हैंड सैनिटाइजर डाल लिया है, और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा बाकियों से ध्यान रखते हुए जाएंगे, क्योंकि आपस में तो हम कितने टाइम रख लेंगे, अब तो साथ ही रहना है 15 दिन जाके साथ में रहना है, क्या फर्क पड़ना है। और तूने जो है, वैसे भी इसने जाना है एक्चुअली ओटावा, बट ओटावा क्योंकि मम्मी है तो इसीलिए पहले ये 15-20 दिन मेरे साथ रहेगा, ताकि क्लियर हो जाए कि ये 1% एसिम्टोमेटिक भी ना हो, उसके बाद फिर से भेजेंगे। क्यों जी? उसके बाद ऑटो, क्योंकि ये चाह रहा है कि जॉब वगैरह वहीं पे करे, बट अब सीन ये है
कि अभी तो फिलहाल इसे किसी दोस्त को कोई सिम्टम नहीं, कुछ नहीं। कभी तेरे किसी कोई दोस्त को डेढ़ दो महीने में सिम्टम आया हो? ना ना ना, दो महीने से तो तुम लॉकडाउन ही हो। दो महीने से हम घर पे ही हैं, रोज बाहर ही निकले। अब लोग जॉगिंग शॉगिंग कर रहे हैं, किसी ने मास्क इन्होंने नहीं पहने हुए, क्योंकि ओपन जगह में एज लॉन्ग एज मैं बार बार यही कह रहा हूँ सोशल डिस्टेंसिंग, अगर आप दूर डिस्टेंस मेंटेन रख सकते हैं तो पहनना ज़रूरी नहीं है। बट लोग आमतौर पर लोगों को देख के साइड हो जाते हैं, अपने आप की जगह दे देते हैं। बट अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ की मेन सबसे बड़ी शॉपिंग स्ट्रीट पे, जिसका नाम सेंट कैथरीन है, जो मैंने आपको सर्दियों में भी दिखाई थी। और यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि दिवाली मेला लगा हुआ है भाई साहब, देखते हैं। हाँ, मंडे को खुले हैं तो रिटेल स्टोर्स ना। अच्छा, मंडे से ही खुले हैं? मंडे से खुले हैं तो ओके। H&M, ज़ारा और अर्बन आउटफिटर्स, ये तीन स्टोर्स के बाहर एक एक किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हैं। एक एक किलोमीटर पता है क्या सीन है यहाँ पे? अभी तक सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज ओपन थी, यानी कि सिर्फ फार्मेसीज हो गई, ग्रोसरीज हो गई। बट अब उन शॉप्स को जिन जो रोड पे हैं, मतलब जो मॉल्स के अंदर नहीं है, उनका जिनका एग्जिट गेट है कर्ब साइड पिकअप पहले अलाउ किया, बट अब उनके लिए वो दुकानें खुल गई हैं, जैसे अब इंडिया में भी सब कुछ खुल गया। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या सीन है सेंट कैथरीन पे। और ऑब्वियसली लोग एक ही हाउस होल्ड के हों तो उनके लिए फिजिकल डिस्टेंसिंग अनिवार्य नहीं है। और पीछे नाई की दुकान अभी भी बंद है, और अपने देसी भाई लोग भी अपने शेयर्ड अपार्टमेंट्स में कई महीने बंद रहने के बाद समर के नए कपड़े वपड़े खरीदने H&M वगैरह शॉपिंग करने आए हुए थे। और मोस्टली लोग एज यू कैन सी अपने आप ही सोशल डिस्टेंस बना लेते हैं। और फिर कुछ अपने सब्सक्राइबर्स ने पहचान लिया। गैप ना करो, वीडियो लोगों ने मेरी चिटॉल कर देनी है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं यार। और सर क्या हाल है? बस एकदम बढ़िया। मेक्सिको वाली सीरीज एक नंबर, मजा आ गया। मैं कल कनाडा वाली देख नहीं, फिलहाल वही देख रहा था। मेक्सिको का था, बहुत बहुत बढ़िया सीरीज है। बाकी यहाँ सही है सब? हाँ, बचाव चल रहा है। हाँ चल रहा है, पैसे दे रही है सरकार। मिल रहे हैं अभी तो, मिल रहे हैं। हम दोनों भी दिल्ली से ही है। दिल्ली से ही तो बात चल रही थी उस $2,000 पर मंथ की, जो कि यहाँ की सरकार हर ऐसे बंदे को देती है जिसने पिछले 12 महीनों में डिक्लेयर्ड एटलीस्ट $5,000 कमाए हों। और उनमें वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी शामिल हैं जिन्होंने चुपके चुपके कैश पे नहीं बल्कि डिक्लेयर्ड 20 आवर्स पर वीक वाली ऑन पेपर जॉब की थी। Yeah, nice meeting you. Hey, hi. Actually, I saw you when I was going from there. Okay. But because of the mask, I saw like you guys are doing the video shooting. और ऐसे ही जब 15 मिनट घूमते घूमते कई सारे अपने लविंग और सपोर्टिंग सब्सक्राइबर सड़क पे मिल गए तो बड़ी अच्छी फीलिंग आई। Yes, yes, yes. I was in Ottawa, now I'm going, I just came to pick him up today. Yeah, the next one is gonna be on Monday. Yes. अब कई लोगों पे मास्क दिख रहे थे और कईयों ने नहीं पहने थे, पर यहाँ पे अभी भी पब्लिक प्लेसेस में मास्क पहनना मैंडेटरी नहीं, रेकमेंडेड ही है। अब पिछले हफ्ते मैंने आपको वीडियो दिखाई है ऑटवा की, मगर यहाँ तो सिचुएशन बिल्कुल ही अपोजिट है, क्योंकि यहाँ पे अभी ताज़ा खुला है। ऑटवा में नॉन एसेंशियल सर्विसेज थोड़ी सी खुल गई थी, प्लस वो शहर छोटा है, ये शहर उसके मुकाबले बहुत बड़ा है। कनाडा का दूसरा सबसे बड़ा सबसे पॉपुलर शहर है और यहाँ पे लोग फुल ऑन बाहर निकले हुए हैं। ताज़ी खुली जो क्या कहते हैं लॉकडाउन का उल्टा क्या हुआ, ओपनिंग वर्जन 1.0 जो इंडिया में कह रहे हैं, डी कन्फाइनमेंट प्लान इंजॉय कर रहे हैं। तो इसीलिए और बहुत कम लोग फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे को जो है प्रॉपर मास्क में और ग्लव्स वगैरह इन चीज़ों में दिख रहे हैं। बट क्योंकि भैया अपनी सेफ्टी अपने हाथ में, मैं दूरी बना के चल रहा हूँ और बस यहाँ से थोड़ा सा सामान लेना है और उसके बाद निकलना है वापस अपनी विलेज की तरफ। और सबसे सरप्राइजिंग बात ये है कि ये जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, इन्होंने मेरे को मास्क भी पहचान लिया है वैसे नहीं है? बट वो अब मैं कैमरा लेके चलता हूँ, थोड़ा वो भी ऑब्वियस हो ही जाता है जैसे बिग गिव अवे। चलो आओ। ठीक है, लोग दूर हो जाते हैं अपने आप।
और ये यहाँ का बड़ा ही पॉपुलर बार थ्री अमीगोज है, मेक्सिकन टोपी आपको दिख रही होंगी, और उन्होंने अपना टेक अवे खोला ड्रिंक सेक्शन का, दारू मिल रही है यहाँ पे बढ़िया फर्स्ट क्लास टेक अवे। फिर कंकोडिया यूनिवर्सिटी तो अभी बंद है मगर ठेक एक खुले हुए हैं। और मेरी वीडियोस में जब लोग नहीं होते ना तो शहर देखने का ही मजा नहीं आता, खाली खाली। अब यहाँ पे ये है कि मैंने पकड़ लिया सड़क का कोना, बिल्कुल इस कोने के साथ साथ चल रहा हूँ। लोग अपने यहाँ भी बड़े रिस्पेक्टेबल दूरी बना के रख रहे हैं, अपना जो है हिफाजती तदाबीर इख्तियार कर रखी है, सारे प्रिकॉशंस दोनों ने ले रखी है। जो जो आपने बोला ना कि लोग नहीं होते अगर शहर में तो वीडियो देखने मजा नहीं आता, फ्रैंकली मुझे ऑटो वाली वीडियो देखने में इतना मजा नहीं आया क्योंकि उसमें लोग नहीं थे, लोग नहीं थे, कुछ था ही नहीं उसमें। अब जो है ना यहाँ शहर की थोड़ी सी जान ही लोगों से आती है, तो अब लग रहा है कि हाँ ठीक है लोग निकल रहे हैं और उम्मीद यही है कि भाई बचाव रहेगा। बट इसको देख के कह नहीं सकते कि सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस इसी शहर में है, वैसे कह सकते हैं क्योंकि लोग बहुत बाहर हैं, बट ओवरऑल ऑटवा के कंपैरेटिवली तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलता है, और वो भी तब जब मैक्सिमम स्टोर्स बंद होने का टाइम हो गया ऑलरेडी, 5:30 बजे स्टोर काफ़ी हद तक बंद हो जाते हैं। बाकी पुलिस यहाँ पे डंडे नहीं मारती मगर डिस्टेंसिंग फॉलो ना करने पे $1500 की टिकट दे सकती है, और स्टारबक्स जैसी कॉफी शॉप के बाहर डिस्टेंसिंग वाली लाइंस आम है। और यहाँ वैसे ही ऐसे फूलों वाले समर सिर्फ कुछ ही महीनों के लिए आते हैं तो लोगों को अंदर रखना वैसे ही मुश्किल है। बट ये है कि किसी से हाथ नहीं मिला सकते, कुछ नहीं है, दूर दूर से जितनी 2-2 मीटर की दूरी बना के सब रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो इसलिए ठीक है। बट नवे नवे शहर खुले हैं, ये भी लाइफस्टाइल है, इसी से यूज टू होना पड़ेगा। कितनी सहूलियत है ना, ये पता क्या हुआ है, ये कल मैंने बारिश में खिड़की खुली छोड़ दी थी। कभी आप दरवाजा बंद छोड़ देते हो, कभी आप खिड़की खुली छोड़ देते हो, चक्कर क्या है? बंद दरवाजे के चक्कर में ही खिड़की खुली रह गई थी, मैंने सोचा खिड़की खुली छोड़ता हूँ कहीं बाय चांस चाबी अंदर आ जाए, वो मैं भूल ही गया। चलो रुको ये तो लगाना, जब फटाफट हैंड सैनिटाइजर फुल सैनिटाइजेशन वेनिटाइजेशन करो, क्लीनिंग करो, उसके बाद चलते हैं। ये बड़ा सब है, पहले ये लगाना ना बाहर, कैमरा बाहर लगा देता हूं। बट फिर हम निकले मेरी कॉटेज की तरफ जाने के लिए, बट सेंट कैथरीन पर भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही थी। और लोग सैकड़ों की तादाद में हवा खाने बाहर आए हुए थे। फिर नए नए खुले स्टोर्स के बाहर खूब लाइंस भी लगी थी। बट अपने को वैंकूवर शहर के बाद कनाडा का दूसरा सबसे महंगा पेट्रोल भरवाना था मॉन्ट्रियल शहर। डिसइंफेक्ट कर लेंगे। बाकी यहाँ पे जो है ना पेट्रोल महंगा है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द क्वेबेक। बाकी क्वेबेक में पेट्रोल है तकरीबन 92-90 का और 90 सेंट्स, यानी कि यहाँ पे पूरा $1 है, और ओंटारियो में इससे भी सस्ता, अराउंड 85 सेंट्स का। ओल्ड पोर्ट जाने का प्लान बनाया था मगर आंधी आ गई है बड़ी तगड़ी, इसलिए अभी कहीं जाने का फायदा नहीं, सीधा कार, भूख भी लग गई है। तो जी फाइनली इसी के साथ आज की शाम भी समाप्त होगी, बट शुक्र यह है कि ये बारिश तब नहीं आ गई जब हम बाहर सड़क पे थे, और अब जाने लगे हैं घर वापसी। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और आगे की टाइमली अपडेट्स के ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब वाला बटन, बेल आइकॉन, सपोर्ट उसी से मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल।